नमस्कार दोस्तों, लर्न पांडम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम संस्कृत संभाषण के विषय में आज जानेंगे, छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखेंगे। तो आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं सबसे पहले आदर सूचक शब्दों के साथ। तो आइए जानते हैं, देखिए सबसे पहले लिख रहा हूं साथियों भवान। भवान का मतलब होता है साथियों आप, पुल्लिंग शब्द, भवान का मतलब आप, ठीक है। नेक्स्ट शब्द लिख रहा हूं साथियों भवंतौ। भवंतौ का मतलब होता है आप दोनों, आप दोनों, आप दोनों, ठीक है। अब आगे है नेक्स्ट भवंतः है। भवंतः का मतलब होता है आप सब, आप सब। ये पुल्लिंग शब्द है, कौन से शब्द हैं साथियों? पुल्लिंग शब्द हैं और पुल्लिंग शब्दों में सर्वनाम शब्द हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे आप कौन हैं, आप कौन हैं, तो हमारा वाक्य बनेगा आप कौन हैं, आप कौन हैं, ठीक है। ये हमारा हिंदी में वाक्य है। संस्कृत में हम वाक्य बनाएंगे तो लिखेंगे भवान। भवान का मतलब होता है आप, और कौन के और अस्ति, आप कौन है, ये हमारा वाक्य बना। आप कौन है, भवान के अस्ति, ठीक है। अब जिनसे भी हम प्रश्न कर रहे हैं वे उत्तर देगा, क्या देगा? आप कौन है, हमने उनसे प्रश्न किया, जो हमारे लिए एक रेस्पेक्टिव पर्सन है, तो वह क्या बताएगा? वह उत्तम पुरुष में जवाब देगा कि अहम, मैं चिकित्सक है अस्मि, मैं चिकित्सक हूं। अहम चिकित्सक है अस्मि, मैं चिकित्सक हूं, ये उन्होंने जवाब दिया। आप भवान, आप कहां रहते हैं? कुत्र निवसति, आप कहां रहते हैं, ये प्रश्न किया। फिर भवान आप कुत्र कहां निवसति रहते हैं, आप कहां रहते हैं, तो फिर जवाब देते हैं क्या कि मैं जयपुर नगर में रहता हूं। इस प्रकार से जवाब दिया जाता है तो उत्तम पुरुष में जवाब मिलेगा अहम जयपुर नगरे निवसामी, मैं जयपुर नगर में रहता हूं, ये हमें जवाब प्राप्त हुआ। अहम मैं जयपुर नगरे जयपुर नगर में निवसामी रहता हूं, मैं जयपुर नगर में रहता हूं, ठीक है। आप क्या पढ़ते हैं? भवान आप क्या पढ़ते हैं? किम पठति, आप क्या पढ़ते हैं? तो हमने प्रश्न किया आप क्या पढ़ते हैं, तो वे जवाब देंगे कि अहम मैं गीताम पठामी, मैं गीता पढ़ता हूं। अहम गीताम पठामी, वह कोई भी पुस्तक पढ़ रहा है उसके विषय में जवाब देगा कि अहम समाचार पत्रम पठामी, मैं समाचार पत्र पढ़ता हूं। अहम रामायणं पठामि, मैं रामायण पढ़ता हूं, इस प्रकार से जवाब देगा। हम जिससे प्रश्न पूछते हैं, पर जो प्रश्न देने वाला जो इंसान है वह उत्तम पुरुष में जवाब देगा, उत्तम पुरुष में जवाब देगा। और हम प्रश्न पूछेंगे प्रथम पुरुष में और मध्यम पुरुष में। ये प्रथम पुरुष में प्रश्न पूछा गया है कि आप कौन हैं, तो ये सब प्रथम पुरुष है, भवान भवंतौ भवंत है, आप दोनों, आप सब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप क्या करते हैं? नेक्स्ट प्रश्न है आप क्या करते हैं? भवान किम करोति, आप क्या करते हैं? भवान मीन्स आप, किम क्या, करोति करते हैं, आप क्या करते हैं,
आप क्या करते हैं? तो हमें उत्तर मिला, मैं कार्य करता हूं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? अहम मैं कार्यम करोमि, मैं कार्य करता हूं, मैं कार्य करता हूं। यह आंसर प्राप्त हुआ, अहम कार्यम करोमि, मैं कार्य करता हूं। या अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। अहम दूरदर्शनम पश्यामि, मैं दूरदर्शन देखता हूं। देखिए, ये जवाब कोई भी दे सकता है। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। अहम पुस्तकम पठामि, अहम दूरदर्शनम पश्यामि, मैं दूरदर्शन देखता हूं, टीवी देखता हूं। अहम भोजनम करोमि, मैं भोजन करता हूं। आप क्या करते हैं? इसका जवाब है। तो कोई भी जवाब दे सकते हैं हम। इस प्रकार से हम संस्कृत संभाषण में आगे अच्छी उन्नति कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जवाब देंगे। अब हम लेते हैं भवंतव। भवंतव का मतलब आप दोनों, आप दोनों। ठीक है, आप दोनों कहाँ जाते हैं? नेक्स्ट है, आप दोनों कहाँ जाते हैं? भवंतव, भवंतव आप दोनों कुत्र कहाँ गच्छते जाते हैं? आप दोनों कहाँ जाते हैं? प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। एक बार पुरुष के विषय में फिर मैं बताना चाहता हूं कि अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष के कर्ता होते हैं। इनके अलावा जितने भी कर्ता होते हैं सब प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं और उनके अनुसार ही हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, भवंतो पुत्र गच्छत है, आप दोनों कहाँ जाते हैं? तो उत्तर होगा कि आवाम हम दोनों देवालयम, देवालयम मंदिर गच्छावे जाते हैं। आवाम देवालयम गच्छावे, हम दोनों मंदिर जाते हैं। दूसरा भी आंसर हो सकता है, आवाम आपणम गच्छावे, हम दोनों बाजार जाते हैं। आवाम विद्यालयम गच्छावे, हम दोनों विद्यालय जाते हैं। आवाम चिकित्सालयम गच्छावे, हम दोनों चिकित्सालय जाते हैं। आवाम उद्यानम गच्छावे, हम दोनों बगीचे में जाते हैं, हम दोनों बगीचे में जाते हैं। एक बार फिर देखेंगे, भवंतो पुत्र गच्छते, आप दोनों कहाँ जाते हैं? आवाम हम दोनों देवालयम मंदिर गच्छावे जाते हैं। आवाम आपणम गच्छावे, हम दोनों बाजार जाते हैं। आवाम विद्यालयम गच्छावे, हम दोनों विद्यालय जाते हैं। आवाम चिकित्सालयम गच्छावे, हम दोनों अस्पताल जाते हैं। आवाम उद्यानम गच्छावे, हम दोनों बगीचे में जाते हैं। तो जहां भी हम जाते हैं उसका यहां पर वर्णन करेंगे द्वितीया विभक्ति में। गम धातु के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लेते हैं भवंत है। सामान्य वाक्य के माध्यम से हम संस्कृत भाषा बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। अब है भवंत है, भवंत है, आप सब के संति कौन है? प्रश्न है, भवंत है के संति आप कौन हैं? भवंत है,
आप सब के कौन संति हैं, आप सब कौन हैं, तो उत्तर मिलेगा वयम, हम सब बालका संति, हम सब बालक हैं, ये भी जवाब हो सकता, सॉरी यहां पर वयम है तो यहां इसमें होगा, इसमें ठीक है, हम सब बालक हैं, इस प्रकार से जवाब होगा। आप कहां जाते हैं, भवंत है आप सब, कुत्र गच्छन्ति, आप सब कहां जाते हैं, जवाब मिलेगा वयम, हम सब देवालयम गच्छामि, हम सब मंदिर जाते हैं, वयम देवालयम गच्छामि, हम सब मंदिर जाते हैं। नेक्स्ट और भी जवाब मिल सकता है, वयम गृहम गच्छामि, हम घर जाते हैं, वयम वाटिकाम गच्छामि, हम सब बगीचे में जाते हैं, वयम वाटिकाम गच्छामि, हम सब बगीचे में जाते हैं। इस प्रकार से साथियों हम पुल्लिंग शब्द भवान भवंतो भवन्ते शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करके हम छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे और छोटे छोटे वाक्य बनाते हुए हम संस्कृत सीखते हैं। आगे जानेंगे, अब नेक्स्ट पुल्लिंग शब्द ही और ले रहा हूं, जैसे से ताऊ ते, से मीन्स वह, वे दोनों और वे सब, वह कौन है, वह कौन है, तो पुल्लिंग शब्दों के साथ जब प्रश्न करते हैं हम तो पुल्लिंग ही किया जाता है, जैसे प्रश्न का नाम भी कै काऊ की, इस प्रकार से कै मीन्स कौन, दो कौन और सब कौन, इस प्रकार से जैसे वह कौन है तो हमारा प्रश्न होगा से के अस्ति, वह कौन है, वह कौन है, से प्रथम पुरुष एकवचन है और पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही हम प्रश्नवाचक शब्द यहां पर लिखेंगे, कह है अस्ति, वह कौन है, तो आंसर होगा कि से बालक है, अस्ति वह बालक है, जो भी है लिख सकते हैं, से कृषक के अस्ति, वह किसान है, से पुरुष है अस्ति, वह पुरुष है, से सज्जन है अस्ति, वह सज्जन है, इस प्रकार से कोई भी हम आंसर देंगे, से कैसी, वह कौन है, जो भी होगा हम प्रथम पुरुष में उसका जवाब देंगे, से बालके अस्ति वह बालक है, से कृषक अस्ति वह किसान है, से पुरुष अस्ति वह पुरुष है, से सज्जन अस्ति वह सज्जन है, प्रथम पुरुष एकवचन का करता है तो प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे और होने के अर्थ में हम अस धातु का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम द्विवचन का प्रयोग करते हैं, वे दोनों कौन हैं, वे दोनों कौन हैं, इस प्रकार का प्रश्न है तो वे दोनों के लिए हम शब्द यूज करेंगे तव, तव यूज करेंगे, वे दोनों कौन हैं, कौ और फिर यहां पर स्थ है, वे दोनों कौन है, कि प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, स्थ है, वे दोनों कौन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तव अध्यापकौ, वे दोनों अध्यापक स्थ हैं, क्योंकि द्विवचन में हमें प्रश्न पूछा गया है तो द्विवचन में ही हम उत्तर देंगे, वे दोनों दो अध्यापक हैं, और नेक्स्ट हम जवाब देंगे तव बालकौ, वे दोनों बालक स्थ हैं, ऐसे भी जवाब दे सकते हैं, तव शिक्षकौ स्थ,
वे दोनों शिक्षक हैं। इस प्रकार से हम जवाब देंगे। वे सब कौन हैं? वे सब कौन हैं के लिए क्या करेंगे? ते के संति कौन है? ते वे सब के कौन संति हैं? तो यहां पर बहुवचन का प्रयोग किया गया, तो प्रश्नवाचक जो शब्द है वो भी हम बहुवचन लेकर के आएंगे के। ठीक है, ते के संति वे सब कौन हैं? तो उत्तर होगा ते वे सब बालका लड़के संति हैं। वे सब लड़के हैं। वे सब पुरुष हैं तो लिखेंगे ते पुरुषाः संति। वे सब पुरुष हैं। ठीक है, वे सब महापुरुष हैं, ऐसा भी हो सकता है। ते महापुरुषा महापुरुषा संति। वे सब महापुरुष हैं। इस प्रकार से भी हम जवाब दे सकते हैं। तो साथियों आज इतना ही, कल हम स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्वान साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।